करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज करियर प्लानर। आई एम राजेश मिश्रा सर, वेलकमिंग यू ऑन दिस ब्यूटीफुल सेशन। सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस questions asked in previous year or recent paper of IBPS PO mains, which is held on 5th of November 2023. 5 November 2023 में जो आपका IBPS PO mains का paper हुआ था, उसके कुछ बेहतरीन question को हम लोग discuss करने वाले हैं ना। तो छोटा छोटा session में हम लोग पहले छोटे questions को उठाते हैं और फिर हम इसके कुछ beautiful और कुछ बेहतरीन question को उठाएंगे जो थोड़ा सा आपका लेंदी होगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं मैट्रिक्स बेस्ड, जो अल्फाबेट और नंबर पर आधारित है, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट से, और उसको हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है और उसको हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे मेंस में, और क्या पैटर्न है, नए तरह का क्या क्वेश्चन आपका आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं और आप चाहें तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन में आगे आपको करके दिखाता हूं। तो एक बार मैं स्क्रीन से आपका हट रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे क्वेश्चन का। ये पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको एक बार दिख रहा होगा और इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो पूछे गए वो अगला स्लाइड में है। एक स्लाइड में तो पूरा प्रश्न आ नहीं सकता है, तो चलिए हम लोग एक बार एक्सप्लेन करते हैं आपको कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करें हम लोग क्वेश्चन में बोला गया देयर इज अ मैट्रिक्स कंटेन्स फोर रोज 1, 2, 3, 4 टॉप टू बॉटम, है ना। ऊपर से नीचे तक आपका चार रो है एंड फोर कॉलम्स, कितने कॉलम्स है, फोर कॉलम्स, और इनके भी नाम 1, 2, 3 और 4 रखे गए हैं, ठीक है। और फिर और ये जो कॉलम्स है वो कहां से है, लेफ्ट टू राइट, कॉलम्स की संख्या वो लेफ्ट से राइट है और रोज जो है वो आपका टॉप टू बॉटम रखा गया, टॉप से बॉटम की ओर, ठीक है। अब हमें बोला गया व्हेन वी गो टू राइट, आगे बोला गया वर्ड विल बी फॉर्म, शब्द जो है वर्ड आपका बन रहा है, वर्ड विल बी फॉर्म When we go left to right in a row and top to bottom in a column, अगर हम left से right चलते हैं तो भी एक शब्द बनेगा और ऊपर से नीचे आते तब भी एक शब्द बनेगा, मतलब दोनों साइड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन आपको दिया गया। अब यहां पर देखिए कुछ कंडीशन है आपके पास। कंडीशन नंबर वन बोला गया कि नो लेटर्स आर रिपीटेड मोर देन ट्वाइस, दो बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। कोई भी लेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, दो बार से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी बार ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं, ठीक है। दो बार कोई एक लेटर आ सकता है। आगे बोला गया इफ अ कॉलम और रो हैज वन लेटर देन द इंटायर कॉलम एंड रो शुड नोट हैव दैट लेटर, ठीक है। अगर किसी एक रो या कॉलम में कोई एक लेटर आ गए तो उस इंटायर रो या इंटायर कॉलम में वो लेटर दोबारा से रिपीट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है कि इफ अ रो वन एंड कॉलम वन हैज अ लेटर एक्स, अगर रो वन और रो कॉलम में एक्स लेटर आ गया है देन दैट लेटर शुड नॉट बी रिपीट इन इंटायर रो और कॉलम, रो वन और रो कॉलम में फिर वो लेटर कभी भी कहीं रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या जो आपका जो सॉल्व करते पजल जो वर्ड वाला उसी तरह का क्वेश्चन है। आगे बोला गया अल्फाबेट आर कोडेड एज A1, B2, C3, D4, E5, F1, G1, H3, इस तरह से आपका कोड दे रखा है। अच्छा, मतलब ये है कि ए बी सी डी ई तक तो आपका 5 नंबर तक चल रहा है, उसके बाद क्या कर रखा है, F से फिर से 1 से शुरू किया, F के बाद G को 2 लिखा, H को 3 लिखा, फिर इसके बाद H के बाद I आएगा तो क्या हो जाएगा 4, I के बाद J आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 5, फिर से ये 1 से शुरू किया, J के बाद क्या आ जाएगा K, K से फिर 1, K के बाद L, L के बाद ये क्या हो जाएगा 2, तो इसी ऑर्डर में ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो 1 से लेके 5 तक एक लेटर, फिर दोबारा शुरू करेगा ये 1 से ही, 1 से फिर 5, फिर 1 से 5 और लेटर्स ये आपके बार बार रिपीट होते रहेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ कॉलम एंड रो आर एडेड टू गेट द सेल वैल्यू ऑफ दैट पार्टिकुलर रो और कॉलम, है ना। अब जो ये प्लेस वैल्यू दे रखा है इसी प्लेस वैल्यू को हम लोग अगर यूज करेंगे उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, सेल वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का पार्टिकुलर सेल का क्या वैल्यू आएगा ये हमें बताएगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, ये मुझे लगता है पूरी बात आपको समझ में आ गई, ये चारों कंडीशन। इसके बाद बोला गया कि फोर लेटर मीनिंगफुल वर्ड हैज टू बी फॉर्म, चार लेटर का एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इन इच
कॉलम और रोज, सभी कॉलम या सभी रो में किधर से भी हम लोग जाए तो आपका चार लेटर के एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंडीशन दिया है इन कॉलम वन, अब हम लोग आगे देखें इन कॉलम वन में वन टू और फोर पोजीशन पर बी ए और टी दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इन कॉलम टू में दे रखा है थ्री और फोर नंबर पर क्या दे रखा है एच और ओ। इन कॉलम थ्री में दे रखा है टू नंबर पोजीशन पर आर और इन कॉलम नंबर फोर पर वन थ्री और फोर पर पोजीशन पर एन टी और एस दे रखा है रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आपके लिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे रो और कॉलम। कॉलम में लेफ्ट टू राइट होना चाहिए और रो में क्या होना चाहिए वन टू थ्री फोर, किस में टॉप टू बॉटम में। चलिए एक बार सॉल्व करते इसको। सबसे पहले हमने एक टेबल बना लेना है, ठीक है, ये हमने वो एक टेबल बना दिया, ठीक है। यहां पर हम लोग रख देते हैं इसमें वन टू थ्री और क्या फोर, वन टू थ्री फोर, ये चार कॉलम्स हमने ले लिया, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने, चार कॉलम्स बना दिए। अब ये चार कॉलम, ये जो मैंने लिखा वन टू थ्री फोर लेफ्ट टू राइट में, ये क्या है, ये कॉलम्स है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम। अब इस साइड में हम लोग बनाएंगे रो, तो रो वन रो टू रो थ्री और रो आपका कौन सा फोर, तो चार रो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, चार रो। ये साइड जो हमने लिखा है ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये है रो, यहां से लेकर के यहां तक आपका रो हो गया और इस साइड वाला यहां से यहां तक क्या हो गया आपका कॉलम्स हो गया। सबसे पहले हमने रो और कॉलम को डिफाइन कर लिया, रो आपका टॉप टू बॉटम था और कॉलम जो है वो लेफ्ट टू राइट है दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें कुछ कुछ बातें बोला गया था कि कोई भी लेटर जो है दो बार ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये दो कंडीशन था। तीसरे नंबर से हम लोग बात करें, तीसरे नंबर से बोला गया कि अल्फाबेट आर कोडेड एज ए वन बी टू सी थ्री डी फोर ई फाइव, तो ए से लेकर के ई तक पांच लेटर्स चलेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, लिख लेता हूं कि वन से लेकर के वन टू थ्री फोर और क्या फाइव, ये लेटर्स हैं। ए इसमें आएगा वन, बी हो जाएगा टू, सी हो जाएगा क्या थ्री, डी हो जाएगा आपका फोर और ई हो जाएगा आपका क्या फाइव। फिर यहां से एफ से शुरू होगा, एफ जी एच आई जे, उसके बाद फिर से यहां से शुरू होगा के एल एम एन ओ, उसके बाद आ जाएगा आपका पी क्यू आर एस टी और उसके बाद आ जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड लास्ट में देखिए फिर से आ जाएगा जेड। अच्छा जेड का वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में दे रखा था, कितना आ जाता है वन, ठीक है, यहां पर बताया गया था। इसी प्रकार अगर चलते रहेंगे तो जेड वापस से हमारा कितने नंबर पे आएगा वन नंबर पे, तो देखिए घूम फिर करके जेड कितने नंबर पे आ गया वन नंबर पे, ये हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब ये वैल्यूज मुझे पता चल गया कि भाई कि एक एक जो वैल्यू है वह ए का है, एफ का है, के का है, पी का, यू और जेड, इन लेटर्स का प्लेस वैल्यू पता चल गया। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर फोर, बोला गया कि प्लेस वैल्यू ऑफ कॉलम एंड रोज आर एडेड टू गेट द सेल वैल्यू, क्या मिल सकता है हमें सेल वैल्यू मिल सकता है। चलिए इसको भी हम लोग यूज कर लेंगे जब जरूरत होगा। तो एक बार हम लोग इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बोला गया क्या कि फोर लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड, क्या मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, हैज टू बी फॉर्म्ड इन ईच कॉलम और रोज। अब बोला गया कॉलम वन में पहला कंडीशन दे रखा है, कॉलम वन का पहला पोजिशन दूसरा पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, ये तीनों पोजीशन में, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर बी ए और टी आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कॉलम वन की बात करते हैं, एक मिनट, कॉलम वन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कॉलम है ना, ये जो सामने इसका पड़ रहा है ये आपका कॉलम वन है। कॉलम वन में पहले नंबर दूसरे नंबर और फोर्थ नंबर पे, तो पहला नंबर पर यहां पर वी, उसके बाद दूसरा नंबर पर आपका ए, यहां पर ए, और ये जो आगे बोला गया फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर पर कौन सा टी रिस्पेक्टिवली, तो यहां पर आ गया क्या टी, ये कुछ लेटर्स दे दिया गया। अब आते हैं यहां पर कि इन कॉलम टू, अब दूसरा नंबर कॉलम की बात करें, यहां पर कौन सी बात करिए दूसरे नंबर की, दूसरे नंबर कॉलम पर अगर हम लोग आ जाए तो दूसरे नंबर बोला गया कि तीसरे और चौथे पोजिशन पर,
तीसरे और चौथे पोजीशन पर क्या आना चाहिए, एच और ओ आना चाहिए। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर टू, तो ये जो है ये इसके सामने वाले वो है कॉलम नंबर कौन सा, टू। तो इसके सामने पर हमें बोला गया कि तीसरा और चौथा पोजीशन, तीसरा मतलब ये वाला पोजीशन यहां पर एच, और चौथा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, चौथा पोजीशन पर आपका ओ, तो यहां पर आ जाएगा आपका ओ, ठीक है। अब देखिए अगला बात बोला जा रहा है कि इन कॉलम थ्री, अब हमें मार्क करना है कौन सा, कॉलम नंबर थ्री को मार्क करना है, ठीक है। तो ये हम लोग आ जाते हैं इसके सामने, मतलब इस पूरे सामने, है ना, कॉलम नंबर थ्री के ठीक सामने। अब यहां पर बोला जा रहा है कि पोजीशन नंबर दो पोजीशन पर हमें क्या रखना है, आर। तो पोजीशन नंबर टू पर, ये टू के सामने हमें क्या रख देना, आर। कॉलम नंबर थ्री में पोजीशन नंबर टू पर क्या रख देना, आर। आगे बोला जा रहा है इन कॉलम फोर, फोर्थ नंबर कॉलम, अब इसके सामने हम लोग आ जाते हैं, किसके सामने, इस वाले के सामने। फोर्थ में बोला जा रहा है कि पहला तीसरा और चौथा पोजीशन पर एन टी और एस होगा। तो पहले नंबर पर एन, इस नंबर पर पहले नंबर पर एन, दूसरे पोजीशन पर आपका क्या, सॉरी तीसरे पोजीशन पर आपका क्या आ जाएगा, टी। तीसरा पोजीशन हम लोग ले लेते हैं ये वाला, आ गया टी। और चौथा पोजीशन पर कौन सा, एस। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं एस, ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। यहां तक हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब हमें ऐसा प्रयास करना है जिससे कि ये सारे, अगर हम रो वाइज देखें तब भी एक मीनिंगफुल शब्द बने, एक अर्थपूर्ण वर्ड बने, है ना, और अगर कॉलम वाइज देखें तब भी बने, रो और कॉलम किसी भी तरफ से देखें तो आपको मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि और हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए यहां अगर हम लोग देखें, सबसे पहले देखें ये वी ए और टी, इसमें एक ही शब्द मिसिंग है, और एन टी एस इसमें भी एक ही लेटर आपका मिसिंग है। अगर एक लेटर कोई अच्छा से भर दिया जाए तो शायद इसमें से कोई मीनिंगफुल शब्द हमें मिल सकता है। तो हम लोग यहां पर देखना शुरू करें वी ए और टी, अगर हम देखें मुझे ए अगर यहां पर डाला जाए तो ए से कोई शब्द नहीं बनेगा, वी ए ए टी नहीं बनेगा। बी रख के देखते हैं, वी ए बी टी नहीं बनता हुआ दिख रहा है, कोई भी शब्द नहीं है। अच्छा बी के बाद सी रखें तब भी नहीं बनेगा। डी अगर हम लोग यहां पर रखते हैं, डी से वी ए डी टी नहीं बन रहा है, ई से भी वी ए ई टी नहीं बन रहा है, एफ से नहीं बन रहा है, जी से भी नहीं बन रहा है, एच से नहीं बन रहा है, एच के बाद आई से भी नहीं बनेगा, टी से नहीं, आई के बाद जे के एल एम एन नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एम ओ पी क्यू आर, उसके बाद एस, एस से बनता हुआ दिख रहा है, एक शब्द बनता हुआ दिख रहा है, किस लेटर से, एस। अगर हम लोग रख दे एस तो वी ए एस टी वास्ट, वास्ट एक शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है, वास्ट। तो एक शब्द तो आपको एस हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस साइड से हम लोग देखते हैं एस एच टी, एस एच टी आ रहा है, तो हमें एक बार को समझ में आ रहा है कि एस एच टी अगर आ रहा है तो यहां पर अगर ओ रख दे शॉर्ट, क्या बन जाएगा, शॉर्ट शब्द एक बन जाएगा। तो यहां पर क्या रख सकते हैं, ओ रख सकते हैं, तो एस एच ओ टी शॉर्ट, एस एच ओ टी शॉर्ट एक शब्द हो गया। इधर से हम लोग देखें तो वी ए एस टी, इधर से हम लोग चले गए तो एस एच ओ टी शॉर्ट, है ना। अच्छा अगर हम लोग यहां पर देखें, अच्छा टी ओ टॉस बन सकता है, टी ओ डबल एस, ठीक है, यहां पर एस रख दें तो टी ओ डबल एस। लेकिन एस जो है ऑलरेडी दो बार आ चुका है, एक बार एस यहां आ चुका है और एक बार एस यहां आ चुका है। तो हमें क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है कि कोई भी लेटर दो बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम वो कितनी बार आ सकता है, दो बार। तो एस यहां पर नहीं ले सकते, टॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा और कुछ आ सकता है क्या यहां पर, ए रखने से तो नहीं बनेगा, बी रखने से भी नहीं बनेगा, सी रखने से भी नहीं बनेगा, ई एफ जी एच आई जे के एल, एल से भी नहीं बन रहा, एम नहीं बन रहा, एन, एन से बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, एन। एन अगर रख देते हैं तो एक शब्द बनता हुआ दिख रहा है क्या, टोन्स, टी ओ एन एस, टोन्स, टोन्स एक शब्द बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आ गया। और अगर हम लोग देखें आर ओ एन आ रहा है, ठीक है, आर ओ एन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बना सकते हैं, तो एक शब्द हमारा और बन सकता है क्या, अगर हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे चेक करते हुए चल रहे हैं। अच्छा अगर हम लोग आई रख देते हैं तो भी एक शब्द बनता हुआ दिखेगा, क्या बनता हुआ दिखेगा, आयरन, आई आर ओ एन, आयरन, आयरन एक शब्द बन जाएगा, आई आर ओ एन, है ना। अब देखिए यहां पर इसमें हमारा एक लेटर बच रहा है वी आई एन, वी आई एन अगर हम लोग देखें तो एक ही शब्द हमें तुरंत दिमाग में आ रहा है, वो शब्द क्या ध्यान में आ रहा है, वेन, वी ई आई एन, है ना। तो यहां पर अगर हम एक लेटर डाल दें ई तो हमारा एक शब्द बन जाएगा वी ई आई एन, फैन, है ना। तो एक लेटर यहां पर भी बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बात करें
अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम लेटर्स जो हम लोग फिल कर चुके हैं, देखिए ई कितनी बार आ गया, ई एक बार आया, आई जो है आपका वो भी एक बार है, ओ चलो आ गया, एन दो बार आ चुका है तो एन दोबारा रिपीट नहीं होगा, है ना। बाकी अगर हम लोग बात करें ओ भी दो बार आ चुका है तो अब ओ भी रिपीट नहीं होगा। तो यहां अगर हम लोग देखें तो एक शब्द नेट्स और नोट्स बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर यू या ये दे दें, यू रख सकते हैं या हम लोग क्या रख सकते हैं, नट्स बन सकता है या नेट्स बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है, नट्स या नेट्स बन सकता है, ठीक है। एन यू टी एस नट्स या एन ई टी एस नेट्स, ठीक है। ई दो बार आ सकता है, यू भी आ सकता है यहां पर, और तो कोई शब्द लेटर नहीं आ रहा है। अच्छा एक तो यहां पर देखें ई एच ओ, ई एच ओ से आपको एक शब्द समझ में आ रहा है कि इको एक शब्द होता है, ई सी एच ओ इको, इको एक शब्द होता है, तो यहां पर कौन सा लेटर आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा लेटर, इको, ई सी एच ओ इको, यहां वेन बन गया, ये बन गया। अब यहां पर देखिए ए सी आर यू तो कोई शब्द नहीं बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ए सी आर ई अगर हम लोग देखें तो एक शब्द बनता हुआ दिख रहा है, ए सी आर ई एकर, क्या बन रहा है एकर, तो ये एक शब्द बनता हुआ दिख रहा है, तो ई आ जाएगा यहां पर, यू हट जाएगा, ठीक है। यहां पर कौन सा लेटर आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने सारे लेटर्स को कंप्लीट कर दिया। अब बस मुझे क्या करना है, इनके प्लेस को लिख देना और सारे प्रश्नों के आंसर कर देना। अब इसके प्लेस को मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिये वी आया है, वी का पोजिशन कितना आ रहा है, वी का पोजिशन कितना होता है, टू, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर टू लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ई आया है, ई का पोजीशन कितना है, ई का है फाइव, यहां पर आ जाएगा फाइव। उसके बाद हम लोग बात करें आई, आई का पोजीशन कितना, आई का फोर है, आई के लिए कौन सा, फोर। उसके बाद हम लोग बात करें एन, एन का क्या आ जाएगा, एन का भी आ जाएगा फोर। ए, ए का हो जाएगा वन, ठीक है। सी, सी का हो जाएगा ए बी सी, सी का हो जाएगा क्या, थ्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें आर, आर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, आर के लिए फिर से हमारा आ जाएगा थ्री। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ई, ई के लिए कौन सा आ जाएगा, ई के लिए आ जाएगा आपका फाइव, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें एस, एस के लिए कौन सा आ जाएगा, एस के लिए आ जाएगा फोर, यहां पर आ जाएगा फोर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। एच, एच के लिए बात करें, एच के लिए आपका आ जाएगा थ्री। ओ, ओ के लिए आ जाएगा आपका क्या, फाइव। और टी, टी के लिए कौन सा आ जाएगा, टी के लिए आ जाएगा आपका फिर से फाइव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग मूव करते हैं, यहां पर आगे हम लोग मूव करते हैं, तो टी के लिए वापस यहां पर आ जाएंगे फाइव। आगे क्वेश्चंस में यही सारी चीजें पूछी जाएगी। ओ के लिए कितना है, ओ के लिए भी फाइव है। एन, एन के लिए कितना आ रहा है, एन 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 के लिए आ रहा है फोर, यहां फोर लिख देते हैं। और एस, एस के लिए क्या आ रहा है, एस के लिए आपका आ रहा है फोर। बस ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जितने भी प्रश्न होंगे इसी के वैल्यू, सेल वैल्यू पर आधारित होगा या फिर वर्ड पर आधारित होगा, दो ही तरह के क्वेश्चन होंगे। अब दोनों को ही हम लोग देख लेते हैं एक बार फाइनली, है ना। तो चलते हैं अगले पृष्ठ पर और यहां आंसर करना है हमें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन हमें पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉलम नंबर वन एंड वैल्यूज ऑफ रो नंबर थ्री। रो नंबर थ्री का और कॉलम नंबर कौन सा, कॉलम नंबर वन का, ठीक है। कॉलम नंबर वन का सारा वैल्यू जोड़ देंगे और रोज नंबर थ्री का जोड़ देंगे और दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम वन को जोड़ते हैं, कॉलम वन को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखा जाए क्या आ रहा है वैल्यू, कॉलम वन का जोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कॉलम वन, तो ये वाला जो इसके सामने वाला वैल्यू है, तो दो एक तीन, तीन चार सात, सात और पांच, सात और पांच को जोड़ रहे हैं, कितना हो जा रहा है, बारह। तो कॉलम वन का जो वैल्यू है, कॉलम वन का जो वैल्यू आया वन नंबर का, वो कितना आया, बारह। और दूसरा हमें जोड़ना था क्या, रो नंबर थ्री, रो नंबर कौन सा, थ्री। तो रो नंबर थ्री ये वाला, रो में इधर से अगर देखेंगे तो ये वाला इसके सामने जितने नंबर है, तो चार तीन सात, सात पांच बारह, बारह पांच कितना हो गया, सत्रह। तो रो नंबर थ्री का जो एडिशन है, रो नंबर थ्री का, वह कितने के बराबर हो गया, सत्रह के बराबर हो गया। तो इन्हीं का डिफरेंस पूछा है, तो सत्रह और माइनस बारह इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर जो पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉलम नंबर वन एंड रो नंबर थ्री, तो इसका आ जाएगा, कॉलम वन का वैल्यू आया था बारह और कॉलम थ्री का वैल्यू आया था सत्रह, इन दोनों का डिफरेंस करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितने के बराबर, पांच के बराबर। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर
इन 33 नंबर पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब 3 का मतलब पहला वाला रो के लिए और दूसरा वाला किसके लिए, कॉलम के लिए। एंड सेम आगे बोला दैट इन 1 और 3, 1 नंबर रो में देखेंगे और 3 नंबर किस में, कॉलम में, वेयर द ब्रैकेट्स आर शो रो एंड कॉलम, है ना। जो पहला नंबर है वो पहला जो पोजीशन है वो किसको दिखाएगा, रो को, और दूसरा जो पोजीशन है वो किसको दिखाएगा, कॉलम को। चलिए तो यहां अगर हम लोग बात करते हैं 3 एंड 3, पहले तो हमें 3 एंड 3 पर देखना है, ठीक है। 3 और 3 पर अगर हम लोग देखें, ये 3 और ये भी 3, इसके सामने कौन सा लेटर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, तो वो तो हो गया 5। और दूसरा क्या बोला गया था, एक बार रुक जाइए, दूसरा बोला गया था 1 और 3, रो में 1 और कॉलम में 3, है ना, रो में 1 और कॉलम में 3, रो में 1 और कॉलम में कौन सा 3, इस जगह पे क्या आ रहा है 4, रो में 1 नंबर पर और कॉलम में 3 नंबर, इसके ठीक सामने कौन सा लेटर आ रहा है 4, तो ये 4 और 5, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 9 के बराबर। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, दूसरे प्रश्न का आंसर होगा 9, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये दो प्रश्न आपको समझ में आएगा। एंड लास्ट पूछा गया था विच वर्ड इज फॉर्म इन रो 1, रो 1 में कौन सा शब्द बनेगा, तो रो 1 में आपका शब्द बनेगा, रो 1 में हम लोग देखें पहला नंबर रो में, तो VEIN, है ना, VEIN, वेन एक शब्द बनेगा, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न का उत्तर होगा VEIN, VEI और N, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस तरह के छोटे क्वेश्चन थे, ये मॉडरेट लेवल के, ये टफ नहीं था और ना ही बहुत आसान था, ये थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन था, मतलब डुएबल था, आप आराम से इसको कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है, और मिलेंगे अगले क्लास में और फिर कुछ क्वेश्चन के साथ, और भी कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ, IBPS PO मेंस का क्वेश्चन पूरा सीरीज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट एवरीवन।